उमरिया जिले के पाली विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत ओदरी में करोड़ों रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, जो क्षेत्र की मानपुर विधायक के अथक प्रयास से योजना लाई गई है उस योजना के अंतर्गत है। सड़क निर्माण प्रारंभ होने से ग्रामीणों में बड़ा उत्सव जैसा माहौल है, लेकिन सड़क निर्माण में ठेकेदार के ऊपर ग्रामीणों ने व्यापक गुणवत्ता विहीन कार्य करने का आरोप खुलकर लगाया है। जानकारी के अनुसार ये सड़क 2,15,00,000 की लागत से 3 किलोमीटर बन रही है। तो वहीं आपको बता दें कि ये निर्माण कार्य मेसर्स सौरभ यादव के द्वारा किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग की देखरेख में ये काम चल रहा है, जिसमें ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य में विभाग के इंजीनियर और ठेकेदार पर पुलिया निर्माण सहित सड़क में अनदेखी कर घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाया है। करोड़ों की लागत से बन रही सड़क में जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आशीष कुमार दुबे की उमरिया से रिपोर्ट। मेरा नाम है ब्रिजेश, मैं ग्राम ओदरी का निवासी हूँ, वार्ड क्रमांक 4 से। रोड अच्छा से बनाया नहीं है पीडब्ल्यूडी वाला, इसमें रोलर भी अच्छा बराबर नहीं चलाया हुआ है, मिट्टी डाल के गिट्टी डाल दिया, फिर डामर बिछा दिया गया है। इसमें गाड़ी ओड़ी आते हैं पैदल, जैसे ब्रेक मारते हैं तो पूरा रोड ही उखड़ जाता है। क्या कुछ मतलब इसमें गुणवत्ता विहीन कार्य किया गया है, गिट्टी मतलब अभी से उखड़ने लगी है। हाँ, तो क्या कुछ है? और जो पुलियों का निर्माण हुआ है वो कैसा है? पुलियों का निर्माण वो पुल एकदम मिट्टी में ही रख दिए हैं, ऐसे उसके नीचे बेस वेस कुछ नहीं डाला हुआ है। शासन से हम यही मांग करते हैं कि इस रोड को अच्छा से सुधरवाए और पुल को भी। भारत सिंह मरावी है मेरा नाम, ग्राम मोदरी का हूँ मैं। क्या कुछ समस्या है सड़क को लेकर? समस्या यही है सड़क में कि इसमें बहुत घटिया रोड बना के गए हैं ठेकेदार लोग। क्या कुछ समस्या हो रही है सड़क से? ये पुलिया है, देखो ऐसे पुलिया पड़ा है, ढोला वास डाल दिए हैं और कोई इसमें न गिट्टी डाले न पत्थर कुछ कुछ डलवे नहीं किए हैं, मिट्टी में ढोला डाल दिए हैं। तो क्या कुछ मांग करते हैं शासन प्रशासन से? शासन से यही कहेंगे रोड बनाओ तो अच्छा से बनाओ, रोड दोबारा बनना चाहिए रोड। हाँ, 50 साल से हो गया रोड बन, यहाँ पहली बार तो बन रहा है हमारे पंचायत में। पीडब्ल्यूडी शायद बनवाया है ये रोड को। ठेकेदार का नाम नहीं, एक तो यादव नाम का था ठेकेदार। ग्राम पंचायत ओदरी को, मेरा नाम लल्लू सिंह। क्या कुछ समस्या है इस रोड से लेके? ये रोड के समस्या यही है सर कि ये देखो ये लात भी मारते हैं तो ये एकदम पूरी उखड़ जा रहा है। अब भी आप खुद देख लो कि खाली दिखावत के लिए डामरिंग डाला गया है, न तो इसमें बेस साइड से डला है, न तो कुछ भी मतलब कि मटेरियल डला है वो किसी भी सही से नहीं डला। अगर जो एक बरसात हो जाएगा तो ये रोड को उखड़ने की पूरी चांस है। कितनी पुलियों का निर्माण हुआ है पूरे? 8 से 9 से पुलियों के निर्माण हुआ है, वो पुल का भी काम सही ढंग से नहीं हुआ है, खाली घोला डाल के मिट्टी डाल के उसको मिक्स कर दी। इसमें मतलब नीचे बेस नहीं बनाया गया? नहीं सर। और अगल बगल जो साइड में बाल जो खड़े होते हैं वो बाल भी नहीं खड़े किए? वो भी खड़े नहीं है। तो फिर खाली दिखावट के लिए थोड़ा सा खड़ा कर दिए हैं, बस हो गया। मतलब मिट्टी में ढोला डाल दिए? जी। तो शासन प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं? हम शासन से यही मांग करते हैं कि जहां से जहां हो सके जितना से अच्छा से काम हो जाए। मेरा नाम अनुराग सिंह है, मैं यही ग्राम पंचायत ओदरी का निवासी हूं। क्या कुछ समस्या है? समस्या यही है सर कि यहां रोड जो बना हुआ है काफी सालों बाद बना है, फिर भी उसके बावजूद अच्छे से रोड बना नहीं है। पुल भी बनाया गया है तो वहाँ पुल में कंक्रीट वंक्रीट वगैरह नहीं डाला है, मिट्टी बस डाल के पुल वो कर दिया गया है, ढोला डाल दिया। हाँ, ढोला डाल दिया गया है। तो क्या कुछ समस्या हो रही है इससे? समस्या ये हो रही है कि अगर बरसात भी होता है तो वो जल्दी रोड खराब हो जाएगी, पुल जल्दी खराब हो जाएगा। अच्छा, क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन? शासन प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि इसको अच्छे से बनाया जाए, पुल वगैरह का अच्छे से निर्माण किया जाए, कंक्रीट वगैरह डाल के सब कुछ अच्छे से किया जाए। जो रोड का निर्माण हुआ है ये कैसे? रोड का निर्माण भी बहुत पतला है, जो एक ही बार चलने में मतलब 6 से 6 महीने तक तो मुश्किल है, 3 से महीने तक में रोड उखड़ जाएगी, बहुत पतला रोड बना हुआ है। राम कृपाल सूटिया, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत ओदरी। ये सड़क के विषय में क्या कुछ समस्या हो रही है? ये समस्या है कि ये पीडब्ल्यूडी ने इसको ले लिया था, पीडब्ल्यू विभाग,
हमारे कुछ प्रयास के अनुसार ये विधायक मत से रोड का निर्माण किया गया, क्योंकि इसमें सिर्फ मिट्टी डाला गया है, मिट्टी डाला गया, इसमें मुर्म नहीं डाला गया, जीएसबी का माल, और ये कंपैक्ट भी नहीं हुआ अच्छा तरह से, और इसके ऊपर गिट्टी डाल करके डामरी कर दिया गया। और जहाँ भी एकदम पुलिया जो बना है, पुलिया के अंदर एक भी कंक्रीट नहीं हुआ है, ढोला वैसे डाल करके अब ऐसे धस जाएगा। मतलब आपके कहने मतलब मिट्टी में ही ढोला, मिट्टी में ही ढोला डाला गया है। तो शासन प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं? शासन प्रशासन से मांगे करते कि भाई कई साल बाद हमारे रोड बन रहा है, तो इसमें कम से कम अच्छा रोड बनना चाहिए, कुछ दिखे कि हाँ भाई हमारे गांव का रोड बना है तो अच्छा लगे और अच्छा आवागमन बना रहे हमारा। आखिर भैया कितने लागत की सड़क?